आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, प्रश्न हमारे पास यहाँ पर, यदि विभिन्न मदों पर खर्च से संबंधित पाई चार्ट यानी कि वृत्त चार्ट में शिक्षा से संबंधित कोण 36 डिग्री है तो शिक्षा पर व्यय कितना प्रतिशत है। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए। पहला विकल्प है 36%, दूसरा विकल्प 8%, तीसरा विकल्प 10% और चौथा विकल्प 15%। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में हमसे कहा गया है कि शिक्षा से संबंधित जो कोण है वो यहाँ पर कितना है, वो 36 डिग्री है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वो कोण दिया हुआ है 36 डिग्री का। ठीक है, ये कोण दिया हुआ है हमें यहाँ पर शिक्षा से संबंधित। तो जो पाई चार्ट या वृत्त चार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक वृत्त होता है और जितने भी हमारे यहाँ पर खर्च होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर कोण के रूप में, डिग्री के रूप में इसमें प्रदर्शित कर देते हैं। यहाँ पर ये इसका केंद्र बिंदु होता है, इसको हम ओ मान लेते हैं। अगर हम कहें कि केंद्र बिंदु के चार ओर कितने डिग्री का कोण है तो ये बनता है यहाँ पर 360 डिग्री का कोण। तो जितने भी हमारे खर्च दिए होते हैं हम उन सभी खर्चों को यहाँ पर अलग अलग डिग्री के कोणों में विभक्त कर देते हैं और उन सभी का योग कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो कुल कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। कुल कोण बराबर कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब उसी में से एक खर्च है यहाँ पर शिक्षा का खर्च जो कि हमें दिया हुआ है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, वो यहाँ पर 36 डिग्री का। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि पूरे पाई चार्ट में या पूरे खर्चों में जो शिक्षा का खर्च है वो कितना प्रतिशत है। तो इसके लिए हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखो जो प्रतिशत यहाँ पर जो शिक्षा में खर्च होगा, शिक्षा में प्रतिशत खर्च बराबर वो क्या होगा, शिक्षा का कोण, तो वो कितना है यहाँ पर 36 डिग्री और बटा यहाँ पर कुल कोण, कुल कोण कितना है 360 डिग्री और गुणा में 100। ठीक है, तो हमें यहाँ से शिक्षा का खर्च प्रतिशत मिल जाएगा। देखो 36 से एक बार, 36 से 360 यहाँ पर 10 बार, ठीक है, और 10 से एक बार और 100 यहाँ पर 10 से 10 बार, तो ये होगा यहाँ पर 10%। मतलब यहाँ पर जो विभिन्न मदों में से जो शिक्षा पर खर्च था जो 36 डिग्री कोण बना रहा था तो उसका जो कुल खर्चों में प्रतिशत हिस्सा होगा वो होगा यहाँ पर 10%। अगर हम विकल्पों में देखें तो विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।